स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम पढ़ाई से अलग थोड़ी सी अलग बात करने वाले हैं जो कि आज के पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है वैक्सीनेशन, कोविड का वैक्सीनेशन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसा रहा मेरा कोविड वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज का एक्सपीरियंस और मुझे स्लॉट कैसे मिला, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमें स्लॉट कैसे मिलेगा और उसके बाद क्या कुछ साइड इफेक्ट्स रहे और कैसे उनके साथ आपको डील करना है, कैसे मैंने डील किया, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन का स्लॉट कैसे मिला, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है कि भाई स्लॉट मिल कहाँ रहा है, कि कैसे स्लॉट मिल रहा है, पहले तो ये बात करते हैं। तो पहली बात आपका देखिए जवाब ये है कि अगर आप कहीं पे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके शहर में 18 प्लस वैक्सीनेशन के स्लॉट्स अवेलेबल हों, क्योंकि जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ तो कानपुर में वैक्सीनेशन स्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे मेरा होम टाउन हरदोई है तो हरदोई में 18 प्लस के स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर अभी 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। इसी तरीके से कानपुर के पास में उन्नाव है तो उन्नाव में भी 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। तो अब आपको ये सबसे पहले तो यही पता करना है कि आपके शहर में 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू है या नहीं है। मेजर सिटीज में शुरू है तो अगर आपके शहर में शुरू हो गया है तब कैसे क्या करना है, कैसे स्लॉट मिलेगा। तो सबसे पहली बात आपको पता ही होगा, कोविन की वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहीं पर आपको अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा। कोविन से भी कर सकते हैं, उमंग ऐप से कर सकते हैं, आरोग्य सेतु से कर सकते हैं, तीनों जगह से आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको वहां पे अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन देखने का भी ऑप्शंस मिलता है, जो कि आप लोग वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं जहां पे वो स्लॉट्स दिखाते हैं कि अगर आपके शहर में स्लॉट खाली है कि नहीं। देखिए उसके बाद में हर शहर हर जगह का अलग अलग पैटर्न है। जैसे कानपुर का तरीका क्या है, कानपुर में मंडे टू सैटरडे के स्लॉट्स जो हैं वो संडे को खुलते हैं और संडे को ही पूरे अगले वीक की बुकिंग हो जाती है। अब दिल्ली में क्या है, दिल्ली में पर डे स्लॉट खुलता है, जैसे आज है आज कल का स्लॉट खुलेगा, कल परसों का स्लॉट खुलेगा, वहां का ये सिस्टम है। इलाहाबाद का अलग सिस्टम है, तो हर शहर का अलग है। अब इस पैटर्न को कैसे पहचाने, तो देखिए इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, एक अंडर 45 करके एक वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाके अपना आप अपना पिन कोड या अपनी शहर उसमें स्टेट और शहर का नाम पूछेगा, उसको करके आप फिल्टर आउट करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल में अपडेट्स आते हैं, जैसे ही आपके शहर में आपके किसी भी लोकेशन पर जब भी वैक्सीन अवेलेबल होगी उसमें आपको अपडेट आ जाएगा। जैसे ही उस टेलीग्राम को अपडेट को आप चालू करके रखिएगा, म्यूट मत करिएगा, तो जैसे ही उसमें अपडेट आता है आप तुरंत वेबसाइट पर जाइए, विद इन 30 सेकेंड्स आप वेबसाइट पर जाइए और फटाफट अपना स्लॉट बुक कर लीजिए तो आपको स्लॉट मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा भी स्लो रहेंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि जब तक आपको अपडेट आया और बाय द टाइम आप जाते हैं स्लॉट बुक करने, तब तक वो स्लॉट फुल हो चुका होगा और फिर आपको स्लॉट नहीं मिल पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंट होकर जाइए, यानी कि 1 से 2 दिन का समय लेकर चलिए कि मुझे आज से कल में स्लॉट बुक करना है, उस टेलीग्राम चैनल को ऑब्जर्व करते रहिए, उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा। तो जैसा मैंने बताया कि आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, अगर आपको एक पैटर्न समझ आ गया कि आपके शहर में किस तरीके से स्लॉट्स खुलते हैं, जैसे कानपुर में मैंने बताया कि मंडे को भी स्लॉट खुलता है, तो पहले मंडे का कुछ जगहों का स्लॉट खुलेगा, जब वो स्लॉट फुल हो जाएंगे फिर ट्यूसडे का खुलेगा, ट्यूसडे फुल होगा तो फिर नेक्स्ट डे वेंसडे खुलेगा, फिर थर्सडे, इस तरीके से कानपुर में है। तो अब आपके शहर का पैटर्न आपको कैसे समझ आ जाएगा, वो टेलीग्राम ग्रुप से समझ आ जाएगा जब आप एक दिन ऑब्जर्व करेंगे कि क्या तरीका है और किस तरीके से ये स्लॉट्स खुल रहे हैं, आपकी जगह का लोकेशन का स्लॉट कितने बजे के आसपास लगभग खुलता है, तो वो पैटर्न आपको उस टेलीग्राम चैनल से समझ आ जाएगा और उसके बाद आप अपने एक दिन किसी दिन बैठिए जिसमें 1-2 घंटा आप दीजिए और आराम से स्लॉट बुक हो जाएगा। इस उस टेलीग्राम चैनल की मदद से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं और उन्होंने अपने स्लॉट्स बुक किए हैं, तो आप भी उसकी मदद से स्लॉट्स बुक कर सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा उसमें अपना समय देना पड़ेगा। देखो समय बिल्कुल देना पड़ेगा क्योंकि एक तरीके से इस समय स्लॉट पाना उस तरीके है जैसे नहीं हम लोग पहले रेडमी का फोन खरीदते थे कि 12 बजे सेल स्टार्ट होती थी और 12:01 पे फ्लैश सेल से खत्म हो जाता था, तो लगभग वैसा ही सीन है क्योंकि स्लॉट्स बहुत कम आते हैं और लोग काफी ज्यादा होते हैं, और जैसे ही जितना बड़ा शहर है वहां लोग और ज्यादा होते हैं, जितना छोटा शहर है वहां तब भी थोड़ा आसानी से मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई आपको स्लॉट बुक करने की, उसके बाद आप अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक करने में वो आपसे ऊपर ऑप्शन ये भी होता है कोवैक्सीन चाहिए, कोविशील्ड चाहिए, स्पुतनिक चाहिए, स्पुतनिक का भी ऑप्शन आ गया है, हालांकि अभी स्पुतनिक लगना नहीं शुरू हुई लेकिन उसमें ऑप्शन आ चुका है, तो वो सारे फिल्टर आप लगा सकते हैं, तरीके आप लोग वेबसाइट्स पे जाकर आप कर लेंगे उतना सिंपल सा। ठीक है, तो अगर आपने एक बार स्लॉट अपना बुक कर लिया है, अच्छा स्लॉट जब बुक करेंगे तो उसमें प्रिफर्ड टाइम स्लॉट पूछता है,
तो प्रिफर्ड टाइम स्लॉट जो है वो सिर्फ एक तरीके से दिखावा है, उससे वहां पर ऑन ग्राउंड उसका कोई लेना देना नहीं होता। आप जब सीएचसी या फिर अपने पीएचसी या फिर वैक्सीनेशन सेंटर पे जब जाते हैं तो वहां पे आपको टाइम से कोई लेना देना नहीं दिखता है, एक सीक्रेट कोड जरूर होता है जो कि वहां पे आपको बताना पड़ता है, बाकी टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है क्योंकि वहां पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन चलता है। टाइम से करेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, तो जो कि बिल्कुल एक सही चीज है। तो टाइम को बिल्कुल भी नजरअंदाज करिएगा, जितना भी टाइम ऊपर स्लॉट दिख रहा है आप किसी भी टाइम पे बुक कर दीजिए और कभी भी जाके आप लगवा सकते हैं उस टाइम पे। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन वाले दिन आपको क्या करना है, कैसे आपका वैक्सीनेशन होगा। तो जिस दिन आपका देखो वैक्सीनेशन है, सबसे पहला काम तो ये आप करिए कि जब आप वहां पे जाइए तो उसके पहले अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, जो भी आपने आईडी प्रूफ उस वेबसाइट में आपने अपडेट किया था वही आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाइए, बिना आईडी प्रूफ के आपका वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। तो आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाइए, कुछ जगहों पर फोटोकॉपी वगैरह मांग लेते हैं कि वो मैं रखने के लिए, बाकी कुछ जगहों पे नहीं मांगते तो वो उतना कोई जरूरी नहीं है, आप आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाइए। साथ ही साथ अपने दो एक से दो मास्क लगा के जाइए, जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लीजिए, सैनिटाइजर वगैरह लेकर जाइए। और वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर आपको एक कार्ड मिलेगा, ठीक है, एक एक तरीके का कार्ड होगा, उस कार्ड को आपको फिल करना होगा और उसके लिए पेन जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पेन भूल जाते हैं फिर वहां पे एक दूसरे का पेन मांग रहे होते हैं, तो पेन जरूर लेकर जाइए और उस कार्ड से अपने पेन से अपने कार्ड को उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद वहां पता करिए कि कहाँ पे आपका वैक्सीनेशन हो रहा है और वहां पे जाके लाइन में लगिए। बस ये ध्यान रखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर पे आप भीड़ मत लगाइए, भीड़ लगी होगी लेकिन आपको भीड़ में नहीं घुसना है, थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर चलिए कि चलो यार मेरा आधा घंटा, मैं मान के चल रहा हूँ 2 घंटा 1 घंटा भी लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, कम से कम भीड़ में मत घुसिएगा, क्योंकि जिसके लिए आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं पता लग रहा है भीड़ में जाके वही बीमारी घर लेकर आ रहा है, तो वो चीज मत करिएगा। इसलिए भीड़ अवॉइड करिए, अपने हाथों से आंख नाक मुंह को बिल्कुल टच मत कीजिए, कोशिश कीजिए बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। इस तरीके से आप वैक्सीनेशन सेंटर पे अपनी वैक्सीन को लगवा सकते हैं। जब आप अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आपको उससे वो सीक्रेट कोड पूछेगा, वो कोड बता के आप अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। जब आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया है तो उसके बाद वो आपसे बोलता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर आधा घंटा बैठे, और कुछ लोग नहीं चाहते तो नहीं बैठते हैं, कुछ को जबरदस्ती बिठाते भी हैं। साथ ही साथ वो एक पैरासीटामोल की गोली दे देते हैं, मेरे सेंटर पे नहीं दी थी, काफी सेंटर्स पे देते हैं 500 mg की पैरासीटामोल की गोली देते हैं। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप शॉप से जाकर खरीद लीजिए, इतना कोई बड़ी बड़ा इशू नहीं है। पैरासीटामोल सिंपली सिंपली 500 mg की वो रिकमेंड करेगा, वो आप लेकर आ जाइए घर पे, 2 से 3 4 गोली। उसके बाद आप ये काम जरूर ध्यान रखिए कि आप रेस्ट जरूर करिए। देखिए क्योंकि मैं जैसे मैं आया था, मैंने वैक्सीनेशन करवाया, उसके बाद मैं आकर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था, मुझे कुछ भी अब नॉर्मल सा फील नहीं हो रहा था, तो मेरा 10 10:30 के आसपास मेरा वैक्सीनेशन हो गया था। उसके बाद मैं आया, आराम किया थोड़ा बहुत और उसके बाद खाया पिया, उसके बाद 1 से 2 बजे तक मेरी क्लास थी, मैंने 1 से 2 बजे की क्लास ली, उसके बाद मैंने लंच किया, उसके बाद 3 बजे से फिर मेरी क्लास थी 3 से 4:30 बजे तक, और 3 से 4:30 बजे वाली जब मैं क्लास ले ही रहा था उस वही बीच मुझे बहुत ही भारीपन फील होने लगा। वो भारीपन बहुत ज़्यादा नहीं था, ओके ओके था, तो मुझे सर भारी किया, मुझे सर दर्द होने लग रहा था, तो मैंने वो क्लास बीच में बंद करी और मैं जाकर लेट गया। लेटने में भी मैंने बहुत आराम नहीं करी, मैं मूवीज वगैरह देखता रहा, इधर उधर चिलर करता रहा, तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब हल्की फुल्की बीमारी है, हो जाएगा सुबह तक, अभी तक ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मैंने फिर उस दिन की सारी क्लासेस कैंसिल कर दी क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मैंने दवा भी शाम के 5 6 बजे के आसपास खा ली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 8 9 बजे के आसपास मेरी बॉडी एक बहुत कस के बॉडी एक हो रहा था, मतलब अच्छा खासा बॉडी एक होने लगा, और जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा था, और मुझे फीवर आने लगा। फिर भी मैंने मतलब 5 6 बजे दवा खाई थी, उसके बाद मैंने 9 10 बजे के आसपास फिर दवा खा ली और मैं फिर लेट गया। उसके बाद मुझे बॉडी एक बहुत ज़्यादा हुआ, हेडेक, मतलब एक अलग ही लेवल का हेडेक हो रहा था जो कि जनरली मुझे नहीं होता, हालांकि मुझे माइग्रेन है तो उसकी वजह से हेडेक होता है, लेकिन उसमें और ही अलग तरीके का हेडेक हो रहा था। साथ ही साथ फीवर बहुत तेज आया, 102 103 के आसपास मुझे फीवर आया, और साथ ही साथ भारीपन था, अच्छा खासा भारीपन था कि मतलब हाथ और ऐसा लग रहा था मैग्नेट लग गया हाथों में, उठ नहीं रहा हूँ, तो इस तरीके की फीलिंग्स हो रही थी जो कि एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा थी, और मैं एक तरीके से डर भी गया। मैंने अपना 1 2 बार SpO2 मेजर किया, वो सारी चीज़ें लगभग ठीक थी, उसमें इतना कुछ डरने वाला नहीं था, लेकिन फीवर आया था, बहुत कस के फीवर आया, जो कि जनरली देखिए मेरे घर में मेरे फादर को भी काफ़ी वैक्सीनेशन हुआ, उनके दोनों डोज लग गए, उनको नहीं आया था। मदर को हल्का फुल्का फीवर आया था, आसपास में जो लोग हैं उनको हल्का फुल्का फीवर आया, किसी को नहीं आया, किसी को बॉडी में हाथ में रैशेज हुए, बट मेरा फीवर थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैं डर गया।
कि पता नहीं क्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं वहां से कोविड लेकर आ गया हूँ, तो वो चीज मैं मुझे डर लगा था। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन फीवर नहीं आया, तीसरे दिन तक हल्का हल्का बॉडी एक रहा, बट फिर फीवर बिल्कुल चला गया और अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है, सारी चीजें बैक टू नॉर्मल है। अभी मुझे बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं लग रहा, मैंने कुछ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी था। तो मेरा ये कहना है कि फीवर आ सकता है आपको, कभी आता है कभी नहीं आता है, और फीवर बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मेरा फीवर बहुत ज्यादा था, मतलब जनरली मुझे ऐसा फीवर नहीं आता, बहुत कस के फीवर था, पूरी रात में सो नहीं पाया, हेडेक था, बॉडी एक था, और मतलब मेरा SpO2 भी वैसे 98 रहता है, बट उस दिन मेरा वो 94 to 96 पे ड्वेल कर रहा था, तो वो भी मुझे थोड़ा सा चिंताजनक लगा। लेकिन दूसरे दिन सारी चीजें सही थी, तो पहले दिन आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। बस आपको एक ही काम करना है जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि आपको पैरासीटामोल टेबलेट लेना है 500 mg, वो भी 6-6 घंटे के अंतराल पे लेना होता है। जल्दी आप ऐसा मत करिएगा कि 1 घंटे के अंतराल पे ले लिए अगर ज्यादा फीवर आ रहा है तो फीवर आ सकता है, दैट्स वेरी नॉर्मल, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको बस क्या करना है कि डरना बहुत ज्यादा नहीं है, और इसकी वजह से वैक्सीनेशन करवाने नहीं जाना भी एक मूर्खता होगी, इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर पे जरूर जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए। बस आपको एक और दो बातें मैं बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है, कि अगर आपको कोविड का कोई भी सिम्टम पहले से है, जैसे कि सांस में तकलीफ या जुकाम होना या फीवर आना, टेस्ट स्मेल आना, अगर इनमें से कोई भी आपको पहले से सिम्टम है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक बार अपना कोविड टेस्ट करवा लें, उसके बाद वैक्सीनेशन करवाएं। क्योंकि मेरे नोन में ऐसे 2-3 बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट्स में ही, आप लोग में से ही हो, जिन्होंने मुझे ऐसा मैसेज करके बताया है कि जिनका कोई दोस्त था और वो पहले से कोविड पॉजिटिव रहा होगा, उसे नहीं मालूम था, उसने कोविड वैक्सीन लगवा ली और फिर उसकी स्थिति और खराब हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि आपको कोविड हो और आप ऑलरेडी उसके ऊपर से वैक्सीन लगवा लें, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो। तो ये मैं आपसे बस सलाह दूंगा कि ये काम मत करिएगा। आप इस बात का ख्याल रखें कि आपको किसी भी प्रकार का सिम्टम ना हो। अगर सिम्टम है और आप टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, तो थोड़े दिन रुक जाइए, 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता रुक जाइए, जब सारी चीजें नॉर्मल हो तब ही आप वैक्सीन लगवाएं, ठीक है? मतलब ऐसा ना हो कि आप बीमार हो और बीमार हो जाएं। इसलिए वैक्सीन लगवाने के लिए पीछे बहुत तेजी से भागिए नहीं, मतलब ठीक है आप रेस्ट करिए। अगर आपका काम ऐसा नहीं है जिसमें आपको रोज बाहर जाना पड़ता है, तो ठीक है आराम से आप वैक्सीन लगवा लीजिए। लेकिन अगर आपको रोज बाहर जाना है और आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन स्लॉट मिल सकता है, तो जरूर लगवाइए वैक्सीन, ठीक है? तो वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पहला दूसरा दिन थोड़ा सा डरावना हो सकता है, वो मेरे लिए भी था, मेरे दोस्त के लिए भी था, उन हम लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत थी, फीवर काफी ज्यादा आया, जो कि बाकी साथ में मेरे दोस्तों ने करवाया उनको इतना फीवर वगैरह नहीं आया। तो सबके साथ में अलग अलग तरीके से बॉडी के साथ रिएक्ट करती है। मुझे फीवर आया जरूरी नहीं है आपको आए, और आपको हो सकता है हेडेक हो तो मुझे जरूरी नहीं हो, ठीक है? किसी को वॉमिटिंग हो गई, किसी को कुछ हुआ, तो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स सभी के साथ दिखें। ये मेरा पहली वैक्सीनेशन डोज का एक्सपीरियंस था, जो कि मैंने बताया कि मुझे काफी कस के फीवर आ गया था, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय था। बाकी स्लॉट मिलना कैसे मिलना है वो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा उस टेलीग्राम चैनल के लिए, आप उस पर जाके अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं, आप वहां से वैक्सीनेशन का अपडेट मिल जाएगा आपको, ठीक है? सो लेट्स कीप इट टिल हियर, अगले वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे किसी और मुद्दे के बारे में, और जल्द ही आपके साथ में दूसरे टॉपर्स के इंटरव्यू भी आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।